छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों की वोट काउंटिंग जारी है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी 90 में से 55 सीटों पर आगे चल रही है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह राजनंदगांव सीट पर कांग्रेस के गिरीश देवानंद से 17,000 ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार 3 बार स्टेट के सीएम रहे रमन सिंह चौथी बार राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें सीएम की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि 3 बार राज्य के सीएम रहे रमन सिंह की नेटवर्थ कितनी है। तो चुनाव आयोग को दिए गए एफिडेविट के मुताबिक रमन सिंह की नेटवर्थ करीब 4 करोड़ रुपए है। उनके पास कोई गाड़ी नहीं है लेकिन एक पिस्टल है। इस पिस्तौल की कीमत करीब 41,000 रुपए है। एफिडेविट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पास 4,15,00,000 रुपए की संपत्ति है। इसमें 2,92,000 रुपए कैश भी शामिल है। उनकी इनकम सोर्स में सैलरी, भत्ते, खेती, किराया और सेविंग पर ब्याज दर्ज है। उनकी पत्नी वीणा के नाम 1,21,00,000 रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा उनके बच्चों के पास 2,53,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी है। रमन सिंह के बैंक अकाउंट में 30,45,000 रुपए हैं। वहीं उनकी पत्नी वीणा सिंह के खाते में 43,46,000 रुपए और बच्चों के अकाउंट में 8,89,000 रुपए हैं। पूर्व सीएम ने बॉन्ड और गिल्ड फंड में 2,81,000 रुपए इन्वेस्ट भी किए हुए हैं। एफिडेविट के मुताबिक रमन सिंह दिवंगत मां सुधा देवी के नाम पर चलने वाले ट्रस्ट में 2,12,00,000 रुपए जमा है। इस ट्रस्ट में बेटा बहू के नाम पर 1,95,00,000 रुपए जमा है। रमन सिंह के पास सोना, चांदी और हीरे भी हैं जिनकी कीमत 53,00,000 रुपए बताई जाती है। उनकी पत्नी के पास 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी है जबकि कुटुंब के पास 12,44,000 रुपए के गहने हैं। साथ ही रमन सिंह पर 21,00,000 रुपए का लोन भी है। एफिडेविट की माने तो रमन सिंह और उनके परिवार के पास कार या कोई दूसरी गाड़ी नहीं है। उनके पास पिस्टल है जिसकी कीमत 41,000 रुपए है। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल तो यही सामने आ रहा है शुरुआती रुझानों से कि बीजेपी को जीत यहां पर मिल सकती है। और कैंडिडेट में जो सीएम पद के दावेदार हैं उनमें सबसे आगे नाम पहले भी राज्य के सीएम रहे रमन सिंह का नाम सबसे आगे है। आपको क्या लगता है विधानसभा चुनावों के रिजल्ट्स क्या कुछ आने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।